दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सब भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आज का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग हिंदी व्याकरण में अन्य टॉपिकों की तरह महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए जानते हैं उपसर्ग की परिभाषा, उसके प्रकार एवं विस्तार से एक एक उपसर्ग के उद्धरण सहित। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। अर्थ वाला शब्द बनाना, निरर्थक शब्द नहीं। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसे अन। उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है, जिसका विशेष अर्थ मनमुटाव है। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता बल्कि तेजी आती है, जैसे भ्रमण। शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। कभी कभी उपसर्गों के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है, बदल जाता है। उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां होती हैं, यानी कि कैसे कैसे जब उपसर्ग लगते हैं तो स्थिति बदलती है। तीन स्थितियां हैं। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है उपसर्ग लगने पर। शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, यानी उससे अलग कुछ अर्थ देता है, भिन्न या उल्टा। शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। यहां उपसर्ग और शब्द का अंतर समझ लेना चाहिए। शब्द अक्षरों का एक समूह है जो अपने में स्वतंत्र है, अपना अर्थ रखता है और वाक्यों में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयुक्त होता है। लेकिन उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है और न स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग ही होता है। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती, तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होता। संस्कृत में शब्दों के पहले लगने वाले कुछ निश्चित शब्दांशों को ही उपसर्ग कहते हैं और शेष को अव्यय। हिंदी में इस तरह का कोई अंतर नहीं है। हिंदी भाषा में उपसर्ग की योजना व्यापक अर्थ में हुई है। उपसर्गों की संख्या, अब हम संख्या के ऊपर बात करते हैं, कितने उपसर्ग हैं विशेष रूप से हिंदी भाषा में जो प्रचलन में है। वो हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या इस तरह निश्चित की गई है। संस्कृत उपसर्ग 19, हिंदी उपसर्ग 10, उर्दू उपसर्ग 12। इनमें से प्रत्येक उपसर्ग की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। मूलतः संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, लेकिन हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं, काम में आते हैं, वो 19 हैं। इस तरह से इन संख्याओं के आधार पर हम एक एक उपसर्ग की अर्थ एवं उद्धरण सहित चर्चा करेंगे यहाँ पर। उपसर्ग दरअसल पहचाने कैसे, तो यह ऊपर जो तीन स्थितियां बताई है कि शब्द से जुड़कर वह नया अर्थ देता है, परिवर्तन करता है या प्रतिकूल अर्थ देता है, और सार्थक होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उपसर्ग हटने के बाद भी शब्द जो बचता है वह सार्थक होना चाहिए। संस्कृत और हिंदी दोनों के ही जो उपसर्ग प्रचलित हैं हिंदी में, वहाँ यहाँ दिए जा रहे हैं। यहाँ पहले उपसर्ग है, फिर उसका अर्थ है और फिर शब्द रूप है, यानी कि उपसर्ग जुड़ने के बाद वह शब्द क्या बनता है। उपसर्ग अति, जिसका अर्थ है अधिक, ऊपर, उस पार।
इसके शब्द रूप बनेंगे अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अत्युक्ति, अतिव्याप्ति, अतिक्रमण इत्यादि। अगला है अधि, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, ऊपर या सामीप्य। इससे शब्द रूप बनेंगे अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि। अनु, अर्थ होता है क्रम, पश्चात, समानता। शब्द रूप बनेंगे अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुज, अनुक्रम, अनुपात, अनुरूप, अनुस्वार, अनुकूल, अनुशीलन इत्यादि। अप, अर्थ है लघुता, हीनता, अभाव, विरुद्ध। शब्द रूप बनेंगे अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार, अपभ्रंश, अपकीर्ति, अपयश, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष आदि। अभी, अर्थ है सामीप्य, आधिक्य और इच्छा प्रकट करना। शब्द रूप हैं अभिभावक, अभियान, अभिशाप, अभिप्राय, अभियोग, अभिसार, अभिमान, अभिनय, अभ्युदय, अभ्यागत, अभिमुख, अभ्यास, अभिलाषा इत्यादि। अव, अर्थ है हीनता, अनादर, पतन। शब्द रूप हैं अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष इत्यादि। आ, अर्थ है सीमा, और, समेत, कमी, विपरीत। शब्द रूप होंगे आरक्त, आगमन, आकाश, आकर्षण, आजन्म, आरंभ, आक्रमण, आदान, आचरण, आजीवन, आरोहण, आमुख, आमरण, आक्रोश इत्यादि। उत प्लस उद, ऊपर या उत्कर्ष। शब्द रूप हैं उत्तम, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्पन्न, उन्नति, उद्देश्य, उद्गम, उत्थान, उद्भव, उत्साह, उद्गार, उद्यम, उद्यत इत्यादि। उप, अर्थ है निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता। शब्द रूप हैं उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपमंत्री, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद इत्यादि। दुर या दुष, अर्थ है बुरा, कठिन, दुष्ट या हीन। शब्द रूप होंगे दुरवस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, दुर्लभ्य, दुर्दमनीय, दुराचार, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुष्प्राप्य, दुसह, दुर्गुण, दुर्गम इत्यादि। नी, अर्थ है भीतर, नीचे या अतिरिक्त। शब्द रूप हैं निदर्शन, निकृष्ट, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निमग्न, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि। निर या निस, बाहर, निषेध या रहित। शब्द रूप होंगे निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। परा, अर्थ है उल्टा, अनादर या नाश। शब्द रूप होंगे पराजय, पराकर्म, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। परी, अर्थ है आसपास, चारों ओर, पूर्ण, अतिशय, त्याग। परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण, परिवर्तन, परिणय, पर्याप्त, परिशीलन, परिदोष, परिदर्शन, परिचय इत्यादि। प्र, अर्थ है अधिक, आगे, ऊपर या यश। शब्द रूप हैं प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रस्थान, प्रलय, प्रमाण, प्रसन्न, प्रसिद्धि, प्रताप, प्रपंच इत्यादि। प्रति, अर्थ है विरोध,
बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन। शब्द रूप होंगे प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार इत्यादि। वी अर्थ है भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता। शब्द रूप होंगे विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विभिन्न, विनाश इत्यादि। सम पूर्णता, संयोग। संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम, संसर्ग इत्यादि। सु अर्थ है सुखी, अच्छा भाव, सहज, सुंदर। शब्द होंगे सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। ए अन निषेध के अर्थ में अमोल, अपढ़, अजान, अगाध, अथा, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि। अद आधे के अर्थ में अध जला, अध पका, अध खिला, अध मरा, अध पई, अध सेरा इत्यादि। उन एक कम 19 की स्थिति में है, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। अव ओ अवहीनता, निषेध। अवगुण, अवघट, अवसर, ओढ़र इत्यादि। दु बुरा या हीन, दुकाल, दुबला इत्यादि। नी निषेध, अभाव या विशेष के अर्थ में निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्ता, निधड़क, निगोड़ा इत्यादि। बिन निषेध के अर्थ में बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। भर पूरा या ठीक के अर्थ में भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि। कु या के बुराई या हीनता के अर्थ में कुखेत, कुपात्र, कुघड़ी, कुकाट, कपूत, कुढ़ंग इत्यादि। सु या से श्रेष्ठता और साथ के अर्थ में सुडोल, सुघड़, सुजान, सुपात्र, सपूत, सजग, सगोत्र, सरस, सहित इत्यादि। तो ये वो उपसर्ग हैं जो संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं के उपसर्ग हैं, लेकिन हिंदी में प्रचलित हैं। अब हम बात करते हैं जो विशेष रूप से उर्दू से हिंदी में प्रचलित उपसर्ग, उर्दू फारसी वाले उपसर्ग प्रचलित हैं उनके बारे में। उर्दू उपसर्ग, अरबी और फारसी इन दोनों के ही उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। इन उपसर्गों के नाम, इनका अर्थ और इनके कुछ एक दो शब्द रूप यानी कि उदाहरण देख करके हम स्पष्ट समझते हैं। उर्दू उपसर्ग अरबी फारसी। अल जिसका अर्थ है निश्चित, इससे शब्द रूप बनेंगे अलबत्ता, अलगरज इत्यादि। कम इसका अर्थ है हीन या थोड़ा, कम उम्र, कम ख्याल, कम सिन इत्यादि। खुश श्रेष्ठता के अर्थ में खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत, खुशहाल, खुशखबरी इत्यादि। गैर निषेध के अर्थ में है गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर कानूनी, गैर सरकारी इत्यादि। दर में दरकार, दरमियान इत्यादि। ना अभाव के अर्थ में नापसंद, नामुमकिन, नाराज, नालायक, नादान इत्यादि। बद बुरा के अर्थ में बदमाश, बदनाम, बदकार, बदकिस्मत, बदबू, बदहजमी इत्यादि। बर ऊपर, पर या बाहर के अर्थ में बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त इत्यादि। बिल यानी कि साथ, बिल्कुल। बे बिना, बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेहतर, बेइज्जत इत्यादि। ला बिना, लाचार, लाजवाब, लावारिश, लापरवाह, लापता इत्यादि। हम बराबर या समान के अर्थ में हम उम्र, हम दर्दी, हम पेशा इत्यादि।
तो दोस्तों ये था टॉपिक उपसर्ग का, संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा और उपसर्ग संबंधी गलती अब आप नहीं करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।